सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। आज हम बात करने वाले बिहार से चलने वाली 5 और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जिनकी रेलवे ने मंजूरी दे दी है। इन्हें कहां से कहां तक चलाया जाएगा, रूट क्या रहेगा और वीक में कितने दिन इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, सभी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, करते इस वीडियो को स्टार्ट। सो दोस्तों, अभी बिहार से एक 8 कोचों वाली वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो कि पटना रांची के बीच चलती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिहार को 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने पटना से मालदा और गया से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य में 3 वंदे मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी। इसका परिचालन जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच होगा। इसका परिचालन हफ्ते में 6 दिन होगा। बता दें कि वंदे मेट्रो वंदे भारत एक्सप्रेस का ही छोटा स्वरूप है। इसके जरिए कम दूरी के शहरों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, पर अभी आपको वंदे मेट्रो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है। अभी आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ही देखने को मिलेगी। वंदे मेट्रो आपको दिसंबर के बाद देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बनारस से आसनसोल के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी, जो कि बिहार से होकर गुजरेगी। पूर्व रेलवे जल्द ही इन वंदे भारत ट्रेनों की तारीख घोषित करेगा। जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना से आने वाले दिनों में एक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। पटना से पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। इसे वीक में 6 दिन चलाया जाएगा। वहीं गया से हावड़ा के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होगा। इस ट्रेन को रेलवे हफ्ते में 3 दिन चला सकता है। बिहार से पश्चिम बंगाल आने जाने वाले यात्री जल्द ही कम समय में अपना सफर पूरा कर सकेंगे। पटना और मालदा के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का लाभ बिहार के अन्य शहरों को भी मिलेगा। इसका परिचालन भागलपुर जमालपुर के रास्ते होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा या नहीं। तो हावड़ा और पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी निकट भविष्य में मंजूरी मिलने की फुल संभावना है। पूर्व रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा ने बताया कि नई ट्रेनों के परिचालन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी और अपडेट के साथ। आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।